Assalamualaikum. Chapter 2 in Teachers. Topics we discussed are multiplication of integers, exercise 2D, and division of integers. For reference, we are using exercise 2D of this book, so stay tuned. आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। इससे पहले हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा था। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा दें कि जो हमने बताया था कि प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो क्या होता है, माइनस होता है। प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव से तो क्या होता है, ये सॉरी प्लस होता है, ये नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नेगेटिव। ये चीज़ तो आपको पता चल गया, ये हर जगह हम अप्लाई करते हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, इन सब में ये रूल फॉलो होता है। यानी कि एक जैसे साइन को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, प्लस होता है। प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्लस, और जो अपोजिट साइन होंगे तो नेगेटिव होगा। ये चीज़ आपने जहन में रखना है। इसके बाद हम फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं, माइनस टू इंटू थ्री प्लस सिक्स, ठीक है। इसमें आप देखें, पहले आपने माइनस टू को प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करना है, माइनस टू मल्टीप्लाई बाई प्लस थ्री, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, पहले साइन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर साइन किसका आएगा, नेगेटिव का, और थ्री को टू से जो हम मल्टीप्लाई करते हैं वो आ जाएगा, थ्री टू ज़ा सिक्स, जो सिंपल मैथमेटिक्स में। तो यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या जवाब आएगा, माइनस सिक्स। फिर ये क्या है, प्लस सिक्स। माइनस सिक्स में आपने प्लस सिक्स ऐड किया, इन दोनों को ऐड करने का क्या तरीका है कि इसमें काम किस चीज़ का होगा, प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस, क्या काम होगा इसमें, माइनस का काम होगा। सिक्स में से सिक्स गया ज़ीरो, आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ज़ीरो, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल से ये कि नाइन इंटू माइनस फोर, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें, प्लस नाइन को मल्टीप्लाई बाय माइनस फोर, माइनस फोर यहाँ लिखें, नाइन को यहाँ लिखें, प्लस नाइन, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, नाइन फोर द थर्टी सिक्स, साइन किसका लग जाएगा, अच्छा साइन क्या किसका लगेगा, प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले साइन को करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस, यानी ये माइनस थर्टी सिक्स आ जाएगा, ये इसका आंसर है, ठीक है। इसी तरह से एक और सवाल देखते हैं, माइनस एट मल्टीप्लाई बाय सिक्स, ठीक है, इसको किस तरह करेंगे, माइनस एट और प्लस सिक्स, इसको मल्टीप्लाई करना है, एट सिक्स द फोर्टी एट, साइन किसका लगेगा, प्लस इंटू माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, डिफरेंट साइन है, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, माइनस फोर्टी एट, ठीक है। ये इस तरह से हम बाकी सवाल भी करेंगे, ठीक है। एक हम एग्जाम्पल टेन ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल नंबर टेन क्या है, ए है हमारे पास, माइनस ए इंटू ब्रैकेट में टू फोर, ये भी ब्रैकेट में, माइनस माइनस फाइव इंटू थ्री, ठीक है, लेफ्ट साइड से हम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, माइनस एट को मल्टीप्लाई करना है प्लस फोर से, यहाँ पर कर लें रफ में, माइनस एट प्लस फोर, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, एट फोर ज़ा थर्टी टू, माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, माइनस, डिफरेंट साइन है तो साइन किसका हो जाएगा, माइनस थर्टी टू, इसका आंसर क्या होगा, माइनस थर्टी टू। उसके बाद आप ये वाला देखिए, अब यहाँ से सॉल्व करना शुरू कर दिए, माइनस है, ठीक है, माइनस को आपने माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करना है,
या छोड़ दें आप इसको, इसी तरह रहने दें, माइनस लिख देते हैं। माइनस फाइव को प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करें, माइनस फाइव प्लस थ्री इसे मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा, पहले साइन को मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, फाइव थ्री ज़ा 15, ठीक है, ये माइनस अपनी जगह है, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 15। अभी दो यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे तो ये कन्फ्यूजन फैलेगा, या तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ब्रैकेट के बाद है, तो इसको हम इसको इस तरह से ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, तो इसको हम ये कर लेते हैं, इसको ब्रैकेट में दे देते हैं, ठीक है ना। अब ब्रैकेट में देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, माइनस 32, और ये माइनस, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक जैसा साइन है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस 15 आ जाए, ठीक है। अब माइनस 32 को प्लस 15 से सब्ट्रैक्शन कर दें, क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं है, ऐड का निशान है इसमें, ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, काम किसका होगा, माइनस इनटू प्लस, क्या होता है, माइनस, एडिशन में क्या होता है, नेगेटिव, यानी कि इसमें काम किसका होगा, माइनस का होगा। 32 में से 15 गया, क्या हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7, और 2 में से 2 में से 1 गया 1, और ये साइन किसका लग जाएगा, माइनस का, यानी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 17, ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से आपके सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप एक्सरसाइज की तरफ हम जाते हैं, इसका एक्सरसाइज कौन सा है, एक्सरसाइज नहीं दिया हुआ है इसमें, ठीक है, ये 2D है, एक्सरसाइज 2D, ठीक है, एक मुश्किल क्वेश्चन, इसमें जी क्वेश्चन नंबर जी देखते हैं। माइनस 122 प्लस माइनस 2, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, हाँ ये जहन में रखिएगा, इसको हमने क्या लिखा है, माइनस 122, ठीक है ना, इसे ब्रैकेट इसको खोलेंगे तो क्या होगा, प्लस मल्टी, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, क्या होता है, माइनस होता है, इसका साइन क्या लग जाएगा, माइनस का, मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये, और यहाँ पर क्या है, ये 2 एज इट इज आ जाएगा। अब माइनस 122 माइनस 2, इनके दरमियान तो मल्टीप्लाई नहीं है, इसमें ऐड और सब्ट्रैक्शन होगा, अब आप देखें इसमें ऐड होगा कि सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस इनटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस इनटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर काम क्या होता है, काम किस चीज़ का होगा, प्लस का होगा, यानी कि 124, और साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का, बड़ा नंबर कौन सा है, 122, ये हो जाएगा माइनस 124, ये इसका आंसर होगा, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, इजी। अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं, जे माइनस 3 इंटू माइनस 3 इंटू 0, ब्रैकेट नहीं है, इंटू 0, फिर इंटू माइनस 8 इंटू माइनस 5 इंटू 4, अच्छा माइनस 5 ब्रैकेट में, ठीक है, पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस 3 को मल्टीप्लाई बाय 0, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। अब ये 0 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 0, यानी पूरा ये 0 जब किसी एक नंबर से ही मल्टीप्लाई, सबके दरमियान 0 वो मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब इसका आंसर ही 0 है, ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन हो गया। अभी एक्सरसाइज 2D है, ईजिली ये सॉल्व हो जाएगा, इसको आप करके देखिएगा, अब इसमें कोई मसला हो तो फिर इतवार वाले सेशन में आप पूछिएगा हमसे, ठीक है। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, इसमें यह कि किसी भी नंबर को आप डिवाइड करेंगे इंटीजर्स में तो किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 100 डिवाइडेड बाय -20, ठीक है, इसको क्या करेंगे, -100 को डिवाइडेड बाय -20 कर दिया, ठीक है, ये भी नेगेटिव नंबर है, ये भी नेगेटिव, डिवीजन को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब ये ऊपर भी नेगेटिव, नीचे भी नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये 100 और 20 को इसको डिवाइड कर दिया, 2 1 2 0, 2 5 10 0, 10 1 10 10 5 आंसर क्या आ गया आपके पास, 5, ठीक है। अच्छा ये तो एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है, अगर ये होता माइनस 100, ठीक है,
ठीक है, इसको डिवाइड करना होता है हमें 20 से, प्लस 20 से, फिर क्या होता है माइनस 100 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है, इसका सॉरी इसका साइन क्या है, प्लस है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, साइन के साथ क्या काम करना होगा, माइनस और प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। 20 को और 100 को भी हमने कैलकुलेट किया तो क्या आया था, 5, यानी यहाँ पर आंसर होगा माइनस 5, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास पहला नंबर तो पॉजिटिव है, ठीक है, डिवाइडेड बाई नेगेटिव 20, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, 100 ऊपर रखा है, ये प्लस 100 है और ये होगा माइनस 20, ठीक है, तो ये क्या होगा, प्लस माइनस अगेन माइनस होगा, इसको फिर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 5, ठीक है ना। तो ये इस तरह से सॉल्व होगा डिवीजन का। इसमें से एग्जांपल एक देख लेते हैं, एक्सरसाइज 2D का ये है हमारे पास H 275 डिवाइडेड बाई माइनस 5, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, 275, ये प्लस का साइन है, यहाँ पर शुरू में प्लस का साइन है, वो लिखते नहीं है, माइनस 5, ठीक है, तो इसका क्या होगा, प्लस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई करें माइनस होगा, नेगेटिव कोई भी एक नंबर नेगेटिव होगा तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, इसको आप काटें, 5 ones are 5, 5 fives are 25, 5 fives are 25, 5 ones are 5, 5 fives are 25, यानी आंसर क्या आएगा, माइनस 55, ठीक है, हो जाएगा ये सवाल सारे। इसमें और देख लें, अच्छा है और देख लेते हैं, F देखें, माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इसको लिखा माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी प्लस 2, माइनस प्लस क्या होता है, नेगेटिव, 2 ones are 2, 2 ones are 4, माइनस 2 आंसर, ठीक है। और इसमें कोई क्वेश्चन है ऐसा मुश्किल नहीं, कोई क्वेश्चन ऐसा मुश्किल नहीं है, 2D आपका इजीली सारे ये क्वेश्चन आराम से आपके हो जाएंगे, ठीक है। Thank you for watching. Subscribe for more updates.